हेलो, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना। आज यहाँ पे हम एक वॉल हैंगिंग बनाएंगे सीढ़ी और पुराने कार्ड से। इसके लिए हमें ये बीड्स, ये देखिए, ये नीचे लगाने के लिए ऐसे वाले, और ये गोल्डन वाले, वो गोल वाले, उस तरह के बीड्स चाहिए। ये स्टिक करने के लिए बिंदिया ऐसे है, और ये देखिए रिंग है, ये किचन में लगाने वाली रिंग है, और ये आइसक्रीम स्टिक्स, और ये कार्डबोर्ड है इस तरह का, और ये शादी का कार्ड है, ये देखिए इस तरह का, और ग्लिटर, और ये ऐसी वाली लेस, ये वूल और सुई है, ये पेंसिल है, और ये सीजर है, वाइट ग्लू है, और हमें एक सीढ़ी चाहिए ऐसी वाली, ये सीढ़ी इस तरह की। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये लेस लेके इसको सीढ़ी के साइज का काट के लेना है। ये देखिए, ये सीढ़ी से ये ऊपर और नीचे, ये यहाँ पे इस तरह से उसको थोड़ी बाहर काट के लेना है। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे मैंने इसको स्टिच करके लिया है, फोल्ड करके दोनों साइड से। ये देखिए इसको इस तरह से एक या दो फोल्ड करके स्टिच करके लेना है। अभी हम एक कार्डबोर्ड लेके इसके ऊपर हमें कोई भी राउंड वाली चीज़ से सर्कल बना के लेना है इस तरह से। सर्कल बना के इसको हमें अभी यहाँ पे इसको काट के लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हमें ग्लू लगा के लेना है। पहले यहाँ पे हम ये नीचे एक पेपर लेंगे पुराना वाला, और ये देखिए ये यहाँ पे इसके ऊपर ग्लू लगा के लेना है, और इसके ऊपर हमें ये ग्लिटर डालनी है ग्लू के ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह बनेगा। इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। अभी हम ये सुई में धागा लेके इसमें मोती डाल के लेंगे। देखिए ये नीचे ये रेड वाला इस तरह से उसको नॉट लगा के लेंगे, और इसके ऊपर हमें गोल्डन मोती लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से, इसमें 5-6 मोती डाल के लेने हैं। यहाँ पे मैं 7 लगा रही हूँ। देखिए अभी यहाँ पे ये लेस में से इसको यहाँ के बीच में से नहीं निकालना है, लेस में से ही हमें सुई धागा निकालना है। देखिए यहाँ से सुई को निकाल के इस तरह से यहाँ पे ये वाला पैटर्न पूरा करके लेंगे। ये पहले मोती डालेंगे गोल्डन, और इसके ऊपर में ये रेड वाला यहाँ पे डाल के उसको नॉट लगा के लेंगे। इस तरह से ये लटकन जैसा बन जाएगा। नॉट लगा के इसको अभी काट के लेंगे।
की इस तरह से, और इस तरह बनेगा। अभी हमें सीढ़ी लेके ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली है, और यहाँ पे उसको आधे में कट करके लेना है इस तरह से। यहाँ पे आधे में उसको काट के लेंगे इस तरह से, और ये हमें सीढ़ी के पीछे की साइड में यहाँ पे स्टिक करके लेनी है उसके साथ इस तरह से। इस तरह से लगा के उसको स्टिक करके लेना है, ये देखिए इस तरह से। सेम साइज में सभी हमें चिपका के लेनी है। ये इस तरह बनेगा, ये सूखने के बाद इस तरह बनेगा। इसे हमें थोड़ी देर सूखने के लिए रख के लगने हैं। अभी यहाँ पे हम ग्लिटर लगाने हैं, उसके लिए ये नीचे हम पेपर लेंगे, ये इसके यहाँ पे हम ग्लिटर लगा के लेंगे इसके ऊपर, सभी के ऊपर हमें ग्लू लगा के लेना है इस तरह से। यहाँ पे पूरे इसमें हमें ग्लू को स्प्रेड करके लेना है इस तरह से उसमें, ये देखिए उसके ऊपर। यहाँ पे मैंने रेड कलर की ग्लिटर ली है, ये ऐसे इस तरह से उसको स्प्रेड करके लेना है। तरह से पूरी स्टिक्स पे हमें ग्लू लगा के ग्लिटर लगाना है, ये इस तरह बनेगा। इसे हम सूखने के लिए छोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पीछे की साइड में हम ये लेस लगा के लेंगे यहाँ पे उसके पहले, ये जो किचन का राउंड हमने लगा लिया है वो उसको लेस के ऊपर ऊपर की साइड में हमें लगा के लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए यहाँ पे हमें ऊपर तक ग्लू लगा के लेना है सीढ़ी के, और ये देखिए इस तरह से उसको प्रेस करना है इस तरह। इसको भी सूखने के लिए थोड़ा देर लगेगा, उसके लिए आप थोड़ी देर रुकने के बाद इसे ऐसे बनेगा, ये देखिए इस तरह से ये बनेगा। अभी यहाँ पे जो ग्लिटर है उसको पोंछ के लेंगे हम इस तरह से, और यहाँ पे ये देखिए यहाँ बीच में ये वाला हमने ग्लिटर का जो कार्डबोर्ड बनाया है उसको स्टिक करके लेंगे एकदम आसानी से, ये हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी लगा के लेंगे ग्लू, और इस तरह से उसको प्रेस करेंगे, इसको हल्के हाथों से प्रेस करके लेना है इस तरह से। कपड़े से वगैरह इसलिए क्योंकि वो ग्लिटर हमारे हाथ पे लग जाती है, इसलिए इसे रुमाल से वगैरह आप प्रेस करके लीजिए।
वो सूखने के बाद नहीं निकलता है। देखिए अभी हम ये कार्डबोर्ड ले, ये कार्ड लेंगे, ये इनविटेशन कार्ड है। इसके ऊपर ये देखिए इस तरह का गणेश जी की फ्रेम रहती है। ये देखिए ये वाली, ऐसी वाली, या फिर हमारे कार्ड होते हैं उसमें ये ऐसी वाली रहती है। ये देखिए ये बड़ी वाली है इस तरह की। तो हम यहाँ पे ये वाली लगाएंगे, तो ये हम यहाँ पे इसको इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए जहाँ पे ये ऊपर हम किचन लगाया है वहाँ हमें वो ऊपर की बाजू रख के और नीचे इस तरह से सीधी बाजू में उसको लगा के लेना है। उसके पीछे की साइड में हमें ग्लू लगा के लेके उसको यहाँ पे बीच में स्टिक करके लेना है। इस तरह से ये देखिए ऐसे दिखेगा। अभी इसको साफ करके अगर कुछ है तो यहाँ पे हमें ग्लू लगा के ये बिंदिया लगा के लेनी है। ये देखिए ये वाली बिंदिया इसके राउंड में हम लगा के लेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरे इसमें हमें राउंड में इस तरह से ये वाली बिंदिया लगा के लेनी है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे बिंदिया बना के लेनी है। और अभी यहाँ पे ये गोल्डन वाले बीड्स लेंगे, ये यहाँ पे जो स्टिक्स लगाई है वहाँ पे हमें ये सीढ़ी के ऊपर इस तरह से ग्लू के साथ लगाते जाना है। देखिए ये इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से वो बन जाएगा। तो अभी ये हमारा वॉल हैंगिंग तैयार हो गया है। इसको हमें एक आधा घंटा या एक दो घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है। ये इस तरह से सीढ़ी से आसानी से गणेश जी का वॉल हैंगिंग बन जाएगा। कैसा लग रहा है आपको?